हीमोग्लोबिनोपैथी देखा था, इसी में हम लोग आज थैलेसीमिया की स्टार्टिंग कर देते हैं। ठीक है, थैलेसीमिया, हम लोग थैलेसीमिया का मतलब समझते हैं, क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिन डिफेक्ट, थैलेसीमिया, थैलासीमिया। थैलेसीमिया, राइट, वी विल टॉक अबाउट थैलेसीमिया। हम लोग कहते हैं इट इज अ क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिन डिफेक्ट, क्वांटिटेटिव हीमोग्लोबिन डिफेक्ट, राइट। इसका मतलब आइदर अल्फा और बीटा चेन्स विल बी रेड्यूस्ड इन क्वांटिटी, तभी तो क्वांटिटेटिव होगा, राइट। अगर हम लोग किसकी बात करें, अगर हम लोग सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो वहां पे क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, अल्फा और बीटा चेन्स दोनों हैं, लेकिन अल्फा चेन में सिक्स पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन है, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं देयर विल बी क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम्स। मतलब अगर अल्फा चेन नहीं है तो बीटा चेन होगी, और बीटा चेन के साथ अल्फा के अलावा कोई और चेन बन जाएगी और दोनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और ऐसी आरबीसीज को आपका रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, पर्टिकुलरली स्प्लीन एंड लिवर डैमेज करने में लगे होंगे, तो आरबीसी टूटती रहेगी और आगे चल के जॉन्डिस होता रहेगा और लिवर स्पेन काफी बड़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बेसिक की बात करते हैं, बेसिक्स, बेसिक्स में हम लोग कहेंगे यहाँ पे थैलेसीमिया में, थैलेसीमिया हम लोग कहते हैं आरबीसी विद डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, इसका मतलब ये ओवरऑल क्या हो गया, डिफेक्टिव आरबीसी हो गया, राइट। डिफेक्टिव आरबीसी को बॉडी चाहती है कि ये ना ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग कहते हैं इनको 3 महीने भी जिंदा नहीं रहने दिया जाता, प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन इन लिवर एंड स्प्लीन, राइट। लिवर और स्प्लीन में इनका प्री मैच्योर डिस्ट्रक्शन होगा, दैट इज इंक्रीज्ड हीमोलिसिस, ब्लड का टूटना, इंक्रीज्ड हीमोलिसिस, राइट, एंड देयरफॉर एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। तो हम लोग यहाँ पे दो क्लू पा गए हैं जो डायग्नोसिस में भी आगे हेल्प करेंगे। एक तो ये आपका हीमोलिटिक एनीमिया है, ऐसा नहीं कि यहाँ ब्लड बना नहीं, ब्लड बन रहा है लेकिन गलत ब्लड बन रहा है, डिफेक्टिव आरबीसीज बन रहे हैं, इनका इंक्रीज डिस्ट्रक्शन है, इन आरबीसीज का हाफ लाइफ 120 डेज से कम होगा, लाइफ स्पेन 120 डेज से कम होगा, हम लोग कह रहे हैं हीमोलिटिक एनीमिया। जब भी हीमोलिटिक एनीमिया की बात किया जाए, मतलब जिसमें आरबीसी टूट रहे हैं, आरबीसी की लिसिस हो रही है, सबसे ऊपर नाम आता है थैलेसीमिया का। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि पेशेंट में एनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन होगा, हम लोग कह देते हैं हिपैटो स्प्लीनोमिगैली, मतलब जब हम लोग पैल्पेट करेंगे तो पेशेंट का लिवर और स्प्लीन बढ़ा हुआ मिलेगा, वी कॉल इट हिपैटो स्प्लीनोमिगैली, राइट। और यहाँ पे अगर आरबीसी टूट रहे हैं, डिफेक्टिव आरबीसी है, इनका हिमोलिसिस हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, आरबीसी कम हो जाएंगे, इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, देयरफॉर अनीमिया, और हम लोग क्लिनिकली इसको देखेंगे पैलर के फॉर्म में, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा पे। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, राइट। तो यहाँ पे जब आरबीसी टूटता है, हीमोलिसिस होता है, तो उसके अंदर से हीमोग्लोबिन निकलता है, हीमोग्लोबिन आगे चल के बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है, राइट, एंड प्रोडक्ट यहाँ पे बिलीरुबिन बनता है। और अगर किसी की बॉडी में बिलीरुबिन ज्यादा हो तो इसका मतलब है उसमें येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ आईज मिलेंगे, हम लोग कहते हैं इक्टरस और जॉन्डिस विल बी प्रेजेंट। ये बिल्कुल बेसिक है, राइट, बिल्कुल गोल गोल सा हम लोगों ने घुमा दिया है इसको। वी आर टॉकिंग अबाउट थैलेसीमिया, राइट। हम लोग 2 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा, इस डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन वाले आरबीसी को आपके रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम 120 डेज जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है उसके पहले ही डिस्ट्रॉय करेंगे, लिवर स्प्लीन इसी काम में लगे रहेंगे कि कहाँ पे डिफेक्टिव आरबीसी मिले, कहाँ पे उसे डिस्ट्रॉय किया जाए। यहाँ पे एक तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो अनिमिया मिलेगा पैलर,
आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मतलब हिमोलिटिक अनीमिया हो रहा है। आरबीसी बनने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आरबीसी बनी है वो प्रॉपर नहीं है, डिफेक्टिव है, इंक्रीज रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन है हिमोलिसिस है। जब भी हीमोग्लोबिन के कैटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो आगे चल के बिलरुबिन बनता है, और अगर बॉडी में बिलरुबिन ज्यादा हो जाए तो हम लोग कहते हैं जॉन्डिस हो गया, पीलिया हो गया। लीवर स्प्लीन अगर इसी काम में लगे रहेंगे तो हाइपर स्प्लीनिज्म होगा, इनका वर्कलोड बढ़ेगा, इन ऑर्गन्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, हम लोग कहते हैं हिपेटो स्प्लीनोमिगैली, राइट। तो जब भी हम लोग थैलेसीमिया की बात करते हैं, क्लिनिकल फीचर्स आगे देखेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रायड की बात करते हैं, राइट, ये बिल्कुल बेसिक है, इस तरीके से एक ट्रायड की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं थैलेसीमिया। ज्यादातर थैलेसीमिया अगर हम लोग लिखें और वहां मेंशन ना करें तो इसका मतलब है दैट मस्ट बी बीटा थैलेसीमिया। तो पहली चीज है यहाँ पे हम लोग कह देते हैं पैलर है, पैलर के साथ पेशेंट को जॉन्डिस है क्योंकि यहाँ पे हिमोलिसिस हो रही है, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया होगा, तो जब ब्लड बनेगा ही नहीं तो टूटेगा कहाँ से, राइट। तो वहां पे जॉन्डिस नहीं मिलेगा, यहाँ पे जॉन्डिस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हिमोलिसिस हो रही है, इंक्रीज्ड हिमोलिसिस, देयरफॉर नोन एज हीमोलिटिक अनीमिया, राइट, हीमोलिटिक अनीमिया, इवन जॉन्डिस को भी हीमोलिटिक जॉन्डिस कहेंगे। तीसरी चीज हम लोग कहते हैं ऐसे लोगों में हम लोगों ने क्लिनिकली पैलर देख लिया, जॉन्डिस देख लिया, मतलब इक्टरस देख लिया, तीसरा हम लोग लिवर और स्प्लीन को पैल्पेट करके देखते हैं तो हमें मिलता है हिपैटो स्प्लीनोमिगैली, राइट। इनफैक्ट अगर किसी भी टाइप का हीमोलिटिक अनीमिया होगा, वो थैलेसीमिया ना भी हो, तो भी ये पिक्चर मिल सकती है, राइट। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं थैलेसीमिया, थैलेसीमिया में तीन मैनिफेस्टेशन मतलब हैंड इन हैंड चलेंगे, पैलर हो गया, इक्टरस हो गया मतलब जॉन्डिस, और हिपेटो स्प्लीनोमिगैली, राइट। ये बिल्कुल बेसिक था और बेसिक कॉन्सेप्ट है, आगे चल के इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, राइट। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, थोड़ी बहुत बात हम लोगों ने कल भी किया था, लेकिन इतना इजी नहीं है टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, और हर थैलेसीमिया का टाइप डेंजरस नहीं होता है। तो किसको किस तरीके से ट्रीट करना है, किसमें क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, राइट, ये सब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंपल कर लेते हैं, एक तो अल्फा थैलेसीमिया होगा जिसकी ज्यादा बात नहीं करेंगे, दूसरा बीटा थैलेसीमिया होगा, राइट। हम लोग कहते हैं अल्फा थैल और हम लोग कह देते हैं बीटा थैल, राइट। यहाँ पे हम लोग कहते हैं अल्फा चेन्स मिसिंग और डिक्रीज्ड इन नंबर, राइट, इसके बारे में और बात नहीं करेंगे, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे, दिस इज मोर कॉमन एंड मोर सीवियर एज वेल, पहली चीज, और ये भी आपके तीन टाइप के हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन कि बीटा चेन की सिंथेसिस कितनी हो रही है। हम लोग कह देते हैं थैलेसीमिया माइनर, राइट, कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब बीटा है, थैलेसीमिया इंटरमीडिया, तीसरा हम लोग कह देते हैं थैलेसीमिया मेजर, इसी को हम लोग कहते हैं सबसे डेंजरस है, इसी को हम लोग कह देते हैं कूलीज अनीमिया, राइट, कूलीज अनीमिया। तो काफी सिंपल है, वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट बीटा थैलेसीमिया। एक और कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ये जो तीन टाइप के बीटा थैलेसीमिया आपको दिख रहे हैं, ये तीनों अलग क्यों हैं, राइट, और इनकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो अगर आप सुनते हो कि किसी को थैलेसीमिया है, तो थैलेसीमिया बहुत लोगों को हो सकता है, माइनर और इंटरमीडिया, मेजर होगा तब उसको ज्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। आप इन जनरल स्क्रीनिंग करा लीजिए 100 लोगों का, 2-4 उसमें थैलेसीमिया वाले मिल जाएंगे, राइट, लेकिन वो या तो इंटरमीडिया होंगे या तो माइनर होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा अनीमिया या जॉन्डिस किसी भी स्टेज पे शायद ना मिले। लेकिन मान लो इन्हीं लोगों की सर्जरी वगैरह कराने जा रहे हो, तो अगर किसी में हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से थोड़ा कम है, सर्जरी में कुछ ना कुछ ब्लड लॉस जरूर होगा, तो ऐसे केसेस में इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर थैलेसीमिया मेजर की बात किया जाए, तो इनको हर महीने 2 महीने पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि लाइफ में कभी कोई इलनेस हो तभी जरूरत पड़े। तो हम लोग यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले एक बार फिर से वो हीमोग्लोबिन वाले ढेर सारे अपने सिनेरियोस फिर से देख लेते हैं, ताकि बीटा थैलेसीमिया सही से समझ में आए। यहाँ पे अगर हम लोग हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करें, तो पहले भी हम लोगों ने बात किया है, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं,
राइट, ये आपका मेन हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज HbA, दिस इज एडल्ट हीमोग्लोबिन, राइट, जो मैक्सिमम इन नंबर होता है, अभी देखेंगे, राइट. फिर अगर हम लोग कहें ये आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, दूसरा अगर हम लोग कहें कुछ इस तरीके से, हम लोगों ने बात किया था एडल्ट में मैक्सिमम तो आपका हीमोग्लोबिन ए ही होता है, जिसके पास दो अल्फा एंड दो बीटा होते हैं, राइट. हम लोग कह देते हैं अल्फा टू बीटा टू. इसी तरीके से 1% के आसपास फीटल हीमोग्लोबिन मिल सकता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चार्ट, क्योंकि आगे जब डायग्नोसिस बनाएंगे तो हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, राइट. तो किसी में अगर बीटा नहीं बन रहा होगा तो बाकी चेन्स का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, आगे देखेंगे. हीमोग्लोबिन एफ है जिसके पास अल्फा टू है, गामा टू है. एडल्ट हीमोग्लोबिन का दूसरा वेरियंट होता है, वी कॉल इट HbA2, ये भी 3.5% से कम होता है, इसके पास अल्फा टू डेल्टा टू. यहाँ पे बार बार हम लोग हीमोग्लोबिन और बेसिक के पास इसलिए जा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल यहीं पे समझने के लिए, किसी को बीटा थैलेसीमिया मेजर है, राइट. अभी मेजर माइनर की बात करेंगे आज ही. बीटा थैलेसीमिया मेजर है, इसका मतलब बीटा चेन्स आपकी कंप्लीटली हो सकता है एबसेंट हो, कंप्लीटली एबसेंट हो. तो अगर बीटा चेन नहीं है तो इसके कंपनसेशन में कोई और चेन बन जाता है. मान लीजिए कंपनसेटरी इंक्रीज इन क्या, सिंथेसिस ऑफ गामा चेन. तो अगर बीटा की जगह गामा बन जाएगा तो इसका मतलब बीटा थैलेसीमिया मेजर में हीमोग्लोबिन एफ इंक्रीज हो जाएगा. तो जब बीटा थैलेसीमिया की डायग्नोसिस बनाते हैं तो इससे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन ए देखने से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम देखें HbF और HbA2 का लेवल क्या है, राइट. ये भी कॉन्सेप्ट है. हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि थैलेसीमिया मेजर होगा मतलब बीटा चेन बहुत कम बनेंगी, तो बीटा चेन की जगह अब बीटा नहीं बन सकती तो बॉडी कुछ और बनाने लगेगी, तो हो सकता है अल्फा, हो सकता है गामा, हो सकता है डेल्टा चेन की सिंथेसिस ज्यादा हो जाए. गामा चेन की सिंथेसिस ज्यादा होगी तो ऐसे थैलेसीमिक पेशेंट में हीमोग्लोबिन एफ ज्यादा मिलेगा. अगर मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा चेन की सिंथेसिस ज्यादा हो गई, डेल्टा चेन की, इसका मतलब आगे चल के HbA2 जो आपका 3% से कम है इसका लेवल इंक्रीज कर जाएगा, राइट. तो एक अप्रोच लेके चल रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है, डिफरेंट टाइप ऑफ चेन्स है, अगर एक चेन कम बन रहा है तो हो सकता है दूसरी चेन का सिंथेसिस इंक्रीज हो जाए, राइट. इसका मतलब अगर HbA कम बन रहा है बीटा थैलेसीमिया में तो HbA2 और HbF का जो ये रेशियो है ये डिस्टर्ब हो जाएगा. कुल मिला के HbF और HbA2 आगे चल के देखेंगे ज्यादा हो जाएगा. अब अगर यहाँ पे हम लोग बेसिक्स की तरफ से आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया की बात करें, तो थैलेसीमिया में बीटा चेन कम बन रही है तो तीन टाइप के किस बेसिस पे हो गए. पहला हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे थैलेसीमिया माइनर है, अभी इसी स्लाइड पे वापस आएंगे. दूसरा हम लोग कह दे रहे हैं कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया है, राइट, थैल इंटरमीडिया. तीसरा हम लोग कह देते हैं थैलेसीमिया मेजर है, राइट, जो सबसे डेंजरस है कुलीज एनीमिया. यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग कहते हैं चार टाइप की जीन्स क्या कर सकती हैं, चार टाइप की जीन्स या एटलीस्ट तीन टाइप की जीन्स क्या कर सकती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थैलेसीमिया करा सकती हैं, राइट. मान लीजिए मैंने कह दिया बीटा जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन. समझना इस बात को, बीटा जीन होगी क्रोमोसोम पे जो क्या बनाएगी, बीटा चेन बनाएगी ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट. मैंने मान लीजिए कह दिया कि यहाँ पे बीटा जीन नॉर्मल है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा चेन थोड़ी सी एबनॉर्मल है, माइल्डली एबनॉर्मल, राइट. तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे बीटा चेन बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, थोड़ी सी एबनॉर्मल है. इसका मतलब अगर ये वाला जीन किसी के पास होगा तो क्या होगा, उसको कम सीवियर थैलेसीमिया होगा. तीसरा मैं कह दे रहा हूँ, रेड से बना दे रहा हूँ,
नाम ही है बीटा जीरो। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? एबनॉर्मल बीटा जीन, एबनॉर्मल बीटा जीन, और इसकी वजह से नो बीटा चेन सिंथेसिस, राइट। इस तरीके से डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है किसी का। ध्यान रखिएगा, बीटा जीन है मतलब नॉर्मल है, अच्छे से बीटा चेन बनेगी। यहाँ पे बीटा प्लस है, इसका मतलब बीटा चेन्स कम बनेंगी। बीटा जीरो है मतलब एबनॉर्मल है, नो बीटा चेन्स बनेंगी। तो यहीं पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेके चलते हैं इस डायग्राम में। मान लीजिए हमारे पास दो क्रोमोजोम के पेयर होते हैं, दोनों पे कुछ इस तरीके से हो, या तो बीटा प्लस हो और बीटा हो, या तो आपका बीटा जीरो हो और बीटा हो, राइट। इसका मतलब दोनों केस में एक जीन नॉर्मल है, राइट, एक एबनॉर्मल है। एक एबनॉर्मल अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे लोगों में क्या होगा? थैलेसीमिया माइनर होगा, हीमोग्लोबिन आपका लगभग नॉर्मल होगा, राइट। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये वाली जीन आपकी नॉर्मल है, ये कम एबनॉर्मल है, ये ज्यादा एबनॉर्मल है, लेकिन देखा जाए तो दोनों एबनॉर्मल है, सॉरी, राइट। ये वाला आपका बिल्कुल नॉर्मल है, सबसे ऊपर वाला नॉर्मल, ये वाले एबनॉर्मल है, राइट। लेकिन इनमें से भी ये हल्का सा डिफेक्ट करेगा, ये ज्यादा सा डिफेक्ट करेगा, मतलब बिल्कुल हीमोग्लोबिन का बीटा चेन नहीं बनने देगा। तो हम लोग कहते हैं बॉडी में क्रोमोसोम्स पेयर पे होते हैं। एक क्रोमोसोम में अगर मैंने कह दिया बीटा नॉर्मल है, राइट, मतलब दूसरा भले ही खराब है, बीटा चेन लगभग नॉर्मल अमाउंट में बनेंगी। थैलेसीमिया माइनर होगा, हम लोग कहते हैं ऑलमोस्ट नॉर्मल, ठीक है। दूसरा हम लोग कह दे रहे हैं थैलेसीमिया इंटरमीडिया है। यहाँ पे मतलब क्या हो गया है? यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो गया है कि बीटा प्लस बीटा प्लस, राइट। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाली जीन्स हम लोगों ने कहा था कि नॉर्मल नहीं है, थोड़ी सी एबनॉर्मल है। इसका मतलब यहाँ पे डिक्रीज्ड बीटा चेन, राइट। हम लोग कह देते हैं हीमोग्लोबिन कम होगा, राइट, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत सीवियर अनीमिया हो। तीसरे वाले में कुछ इस तरीके से बना लेते हैं बीटा जीरो, राइट, बीटा जीरो ऑब्लिक बीटा जीरो, या बीटा जीरो ऑब्लिक बीटा प्लस, राइट। ये वाला सिनेरियो अगर है दोनों में, इसका मतलब नो नॉर्मल जीन, नो नॉर्मल जीन। इसका मतलब अब यहाँ पे जो थैलेसीमिया है बहुत ही मेजर है, अनीमिया बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा। हम लोग कहेंगे बिल्कुल ब्लड होगा ही नहीं, वेरी सीवियर अनीमिया, हर महीने शायद इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़े, राइट। तो इस तरीके से लॉजिक होता है, किस तरीके से हम लोग थैलेसीमिया मेजर माइनर और इंटरमीडिया कहते हैं। मेजर में ही ज्यादा प्रॉब्लम्स मिलेंगी, हम लोग कहते हैं इट इज कुलीज अनीमिया। फिर से देख लेते हैं, कितना इजी है, तुम लोगों को इसमें कुछ रिवाइज भी नहीं करना है। मैं कह रहा हूँ ये बीटा नॉर्मल है और ये बीटा प्लस सब नॉर्मल है और बीटा जीरो एबनॉर्मल है, राइट। नॉर्मल, सब नॉर्मल, एबनॉर्मल, समझ पा रहे हो? यहाँ पे हीमोग्लोबिन नॉर्मल, यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बहुत कम, राइट। तो जब भी हम लोग बात करें, मान लीजिए मैंने इसका उल्टा स्टार्ट कर दिया, मान लीजिए किसी में नॉर्मल जीन ही ना हो, दो क्रोमोसोम पे दोनों पे बीटा जीरो हो, बीटा जीरो हो, या दो एक पे बीटा जीरो हो एक पे बीटा प्लस हो, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा? कोई भी नॉर्मल बीटा जीन नहीं है, ऑल एबनॉर्मल, और ऑल एबनॉर्मल में भी दोनों जगहों पे सीवियर वाली बीटा जीन प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये आपका थैलेसीमिया मेजर होगा, राइट, जिसको आप लोग कह देते हो पुलीज एनीमिया, राइट। अब दूसरे में हम लोग कह रहे हैं कम खतरनाक वाला है, ठीक है, बीटा प्लस और बीटा प्लस है। इसका मतलब है ये ना नॉर्मल है ना बिल्कुल एबनॉर्मल है, बीच का है, हम लोग कह देते हैं थैलेसीमिया इंटरमीडिएट, राइट। हम लोग कहते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन कम हो गया, एनीमिया प्रेजेंट होगा, माइल्ड एनीमिया प्रेजेंट होगा, कभी कभी इसको हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो, इन जनरल नहीं।
लास्ट हम लोग कह देते हैं कि जो बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो है, राइट, एक भी अगर नॉर्मल जीन है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बीटा बीटा जीरो, एक यहाँ पे नॉर्मल जीन है, या हम लोगों ने कह दिया बीटा है, बीटा प्लस है, अगेन एक नॉर्मल जीन है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं नॉर्मल जीन प्रेजेंट। तो नॉर्मल जीन अगर एक भी है तो काफी है हीमोग्लोबिन में बीटा चेन बनाने के लिए, राइट। तो हम लोग कहते हैं दिस इज थैलेसीमिया माइनर, हम लोग कह देते हैं ऑलमोस्ट नॉर्मल हीमोग्लोबिन, हो सकता है जरा सा कम हो, कभी पेशेंट की सर्जरी वगैरह प्लान हो तो उस केस में और ब्लड लॉस हो तो सिग्निफिकेंट एनीमिया मिल जाए, अदरवाइज दिस पर्सन इज ओके फॉर लाइफ लॉन्ग। तो हमारे पास तीन टाइप के बीटा थैलेसीमिया है, बीटा थैलेसीमिया माइनर, मेजर एंड इंटरमीडिया, किस तरीके से होंगे, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा ये भी देख लिया है, राइट। बाकी हीमोग्लोबिन डिफेक्ट्स कैसे होते हैं, और अगर एक बीटा चेन कम बनेगा या कोई भी चेन तो कंपनसेटरी बाकी चेन इंक्रीज हो जाएंगी। क्लिनिकल में कल हम लोग क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे, तो जो ट्रायड होता है ये हम लोगों ने देख लिया है। तो अगर किसी में अनीमिया है, पैलर है, और यहाँ पे जॉन्डिस प्लस हिपेटोस्प्लेनोमेगैली है तो हम लोग सस्पेक्ट करेंगे थैलेसीमिया, राइट। इन जनरल अगर बात करें तो हम लोग सस्पेक्ट करेंगे हीमोलिटिक अनीमिया।